Hello dear students, today we are going to do common mistakes in English grammar and this is the 22nd part in the series. Number 1, wrong use of the with proper nouns. कई बार हम proper noun से पहले the लिख देते हैं जिससे कि वह sentence wrong हो जाता है, okay? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है The Naveen will go to the England. This is wrong. Naveen will go to England is right. Okay? किसी भी person के नाम से पहले हमने the नहीं लगाना होता है और England या फिर किसी और country जैसे कि India, China, ठीक है, इन सभी countries से पहले the नहीं लगाना होता है. कुछ countries जैसे कि the USA, the UK, the UAE, ओके, वहाँ पर हम द लगा सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं नंबर 2, रॉन्ग यूज़ ऑफ द विद एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउंस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, वे नाउन जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. द ब्रेवरी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू. This is wrong. Bravery is a great virtue is right. Okay? देखिए bravery जो word है वो एक abstract noun है, इसलिए हमने उससे पहले the नहीं लगाना है. Okay? Bravery का meaning होता है बहादुरी. Okay? बहादुरी एक महान गुण है. Virtue का meaning होता है गुण, एक अच्छी quality, एक बहुत बड़ा गुण है. Number 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ द विद मटीरियल नाउंस. कई बार हम मटीरियल नाउन से पहले भी द लगा देते हैं जिससे कि हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है. द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल. दिस इज़ रॉन्ग. गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल इज़ राइट. ओके, मटीरियल नाउन से पहले द नहीं लगाना होता है. नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ द विद नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस के नेम से पहले भी हमने कभी भी द नहीं लगाना होता है. देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. प्रिया स्पीक्स द इंग्लिश वेरी वेल. दिस इज़ रॉन्ग. प्रिया स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. दिस इज़ राइट. ओके, इंग्लिश यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द नहीं लगाना है. जब हम इंग्लिश वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड में रहने वाले लोग, ओके, तब हम वहाँ पर द लगाते हैं. लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम द नहीं लगाते. ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं नंबर 5, रॉन्ग यूज़ ऑफ द विद नेम्स ऑफ मील्स. नेम्स ऑफ मील्स यानी कि जब हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात करते हैं तब उससे पहले भी हमने द नहीं लगाना होता है. द चिल्ड्रन ईट फ्रूट्स इन द ब्रेकफास्ट इज़ रॉन्ग. द चिल्ड्रन ईट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट इज़ राइट. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार हम द लगा भी देते हैं मील्स के नेम से पहले जब हम किसी पर्टिकुलर मील की बात कर रहे होते हैं. ओके, जैसे कि हम किसी ऐसे लंच या डिनर की बात कर रहे होते हैं जिसे हमने किसी के ऑनर में दिया है, किसी के लिए स्पेशल मील हमने तैयार करी है. ओके, तब हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं द को. लेकिन अगर हम जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं नेम्स ऑफ द मील्स को तब हम वहाँ पर द यूज़ नहीं करते. So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. Thank you.